अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ होममेड गरम मसाला। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। ज़ीरा 3 टेबल स्पून, शाहज़ीरा 2 टेबल स्पून, इलायची 50, चक्रफूल 2 टेबल स्पून, धनिया 4 टेबल स्पून, लौंग 1 टेबल स्पून, जायफल 1, दालचीनी 3 इंचेस के फाइल ले लिया है मैंने, बड़ी इलायची 20, जावित्री 2 टेबल स्पून, तेजपत्ता 6, काली मिर्च 2 टेबल स्पून। इन सारे मसालों को भूनने के लिए मैंने यहाँ नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है। इन सारे मसालों को हम 1 मिनट तक भून लेंगे। इसको जलाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट तक भूनना है। हम छोटे मसाले अलग भूनेंगे और बड़े मसाले अलग भूनेंगे। अगर हम सारे मसालों को मिक्स करके भूनेंगे तो छोटे मसाले जल जाएंगे, इसलिए हम अलग अलग भूनेंगे। इसको हम मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, गरम मसाला पाउडर बारीकी से पीसकर तैयार हो गया है। गरम मसाला पाउडर को हम छन्नी में छान लेंगे। गरम मसाला पाउडर को हम 6 मंथ्स तक बॉक्स में भर के रख सकते हैं। इस पाउडर को हम बिरयानी, वेज पुलाव और हर सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।